इन निराशाओं पे जयवत हो। तो दुनिया के तरीके में बहुत सारे मैं देखता हूँ कि जिन्हें वो तरीके के प्रचारक कहा जाए, मोटिवेशनल पिचर जो बिजनेस स्ट्रेटेजी बताते हैं, जो नौकरियों में आकर आपको प्रोत्साहित करते हैं, ये केवल मनुष्य के प्लान है। लेकिन मैं पवित्र शास्त्र के अनुसार आपको वचन के अनुसार इन परिस्थितियों में आप कैसे जयवंत होंगे ये बातें मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। और इसलिए हम वचन पढ़ेंगे, नीति वचन उसका तीसरा अध्याय है। अब वचन पांच क्या कहता है देखो, नीति वचन उसका तीसरा अध्याय है, प्रोवर्ब्स चैप्टर 3:5 क्या कहता है। तू आपल्या अगदी मनापासून परमेश्वरावर भाव ठेव, हाँ, आपल्याच बुद्धीवर अवलंबून राहू नको, हाँ, तू आपल्या सर्व मार्गात त्याचा आदर कर, हाँ, म्हणजे तो तुझा मार्गदर्शक होईल। आमेन। 5 और 6 वचन कहता है नीति वचन का, प्रोवर्ब्स चैप्टर 3:5-6, तू अपनी समझ का सहारा न लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। आगे दिया है, उसी को स्मरण करके सब काम करना, उसी को याद करके, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। आमीन। कब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा? जो तेरा मार्ग टेढ़ा मेढ़ा हुआ है, जो तेरा मार्ग ऊंचा नीचा हुआ है, जो तेरा मार्ग उबड़ खाबड़ हो गया है, जो तेरे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, जो तेरे फैमिली प्रॉब्लम है, मिनिस्ट्री में प्रॉब्लम है, परिवार में प्रॉब्लम है, बिजनेस में समस्या है, ये सारे टेढ़ी मेढ़ी परिस्थितियों को अगर सुधारना है तो हमें यहाँ पे दो बात बताई गई है। नंबर 1, अपनी समझ का सहारा ना ले। नंबर 2, सब काम करते वक्त केवल परमेश्वर को स्मरण कर। इसका मतलब अपने सब मार्गों में हम जब खुदावन पे निर्भर रहते हैं, अगर आप एजुकेशन ले रहे हो, आप जूनियर कॉलेज में हो या सीनियर कॉलेज में हो, या आप कुछ मास्टर कर रहे हो, कुछ डिग्री प्राप्त कर रहे हो, इंजीनियरिंग कर रहे हो, लेकिन इन दिनों में बहुत सारे जो प्रतिभाशाली जो बच्चे हैं, मतलब जो ऑलरेडी बहुत ब्रिलियंट है, ये जो अभी एग्जाम कैंसिल की गई और सबको पास किया जाएगा, लेकिन इन दिनों में कुछ ऐसे बुद्धिमान बच्चे होंगे जो सच में जेन्युइनली पढ़ाई करते, उनको खराब लगता होगा, वो निराश हो गए रहेंगे, हम इतनी मेहनत कर रहे लेकिन अभी जिसकी औकात नहीं वो भी पास हो जाएगा, है ना। शायद इन दिनों में अगर आपके जीवन में आप देख रहे हो, शायद पहले पैसा आपके पास बहुत था, आप खर्चा कर सकते थे, आपके पास ऐसी परिस्थिति थी कि आप लोगों को उधार देते थे, और आज परिस्थिति ऐसी भी जिनको आपने दिया है वो वापस देने के लिए तैयार नहीं, वो मुंह छुपा रहे, वो दूर भाग रहे, और अभी हालात ऐसी है कि आपके पास बहुत ही निचली दशा की परिस्थिति है, आप कहीं ना कहीं आपका मन मायूस है, आपका मन निराश है, आपके मन को आपने सिखाना चाहिए कि हे मेरे मन यहोवा पे भरोसा करो। इंसान पर भरोसा रखोगे वो आपको धोखा देगा, रिश्ते नातों पर भरोसा रखेगा तो वो आपको जलील करेगा, लेकिन इन दिनों में खुदावन चाहता है जो जो भाई बहन जो मुझे देख रहे हैं, जो देखेंगे, आज निराशा में हो, फ्रस्ट्रेशन में हो, डिसअपॉइंटमेंट में हो, आपको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि मेरा ये निर्णय गलत हुआ है, मैंने इस व्यक्ति के साथ ये निर्णय लेकर गलती की है, मेरे जीवन में यह संगति करके मैंने गलती की है, मैंने इस पर विश्वास करके गलती की है। आप कहीं ना कहीं सब बातों से आप अकेले पड़े हो क्या? मुझे आपको बताओ, शैतान का सबसे बड़ा अगर हथियार कौन सा होगा ना, तो वो है निराशा। जब ये निराशा आपके जीवन में एक्टिवेट होती है, और ये निराशा में आप क्या करते पता है, इसी निराशा में खुदा पर ईमान रखने वाला व्यक्ति खुदा पर उंगली उठाता है।
निराशा जब आती है, इंसान खुदा को दोष लगाता है, अपने आप को दोषी समझता है, गिल्ट कॉन्शियस में चला जाता है, किसी के ऊपर दोष लगता है, हालात को दोष लगाता है। लेकिन मुझे आपको बताना है, आपकी जो हालात है ना, ये हालात केवल आपके नहीं है, सारी दुनिया में लोगों का सारा माहौल बिगड़ा हुआ है, लिंक टूटी हुई है, बिजनेस के 12 बजे हुए, नौकरियां छुटी हुई है, एक टाइम के खाने के लाले। इन परिस्थितियों में आज मनुष्य निराश होगा, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब निराशा आती है ना तब आशा चली जाती है, और जब आशा चली जाती है ना तब जाके इंसान खुदकुशी करता है। खुदकुशी का कारण क्या है पता है? खुदकुशी का, सुसाइड का कारण है निराशा। और हमारे पास जो खुदावंत है वो आशा का परमेश्वर है। परमेश्वर की आशा हमें लज्जित नहीं करती है। बहुत सारे लोग पीछे हट रहे, जो पहले विश्वास की बड़ी बड़ी बातें करने वाले, धर्मी जीवन जीने वाले, वो पीछे हट रहे। इसका कारण क्या है? निराशा। फ्रस्ट्रेशन में आकर फिल्म स्टार, करोड़ों रुपए रहने के बावजूद, आलीशान घर रहने के बावजूद, सभी बातों का कंफर्ट जोन होने के बावजूद, फिल्म स्टार लोगों में हमने देखा पिछले साल कितने सारे बॉलीवुड स्टार ने सुसाइड किया है। कुछ लोग इस निराशा के माध्यम में इन सब गंदी लतों के अधीनता में चले जाते हैं, ड्रग्स लेना शुरू करते हैं, अलग अलग जो भी अभी नई नई कुछ नशीली बातें आ रहे, कोई गांजा पी रहा है, कोई अफीम पी रहा है, कोई चरस पी रहा है, कोई दारू पी रहा है, कोई नाना प्रकार के बातों में अधीनता में, उस बातों के आदि हो रहे। क्यों? क्योंकि निराशा, शैतान का सबसे बड़ा शस्त्र निराशा। जब ये निराशा आती है ना, अच्छे अच्छे भले भले प्रचारकों को मैंने देखा है कि वो व्यसनाधीन हो गए, वो नशीली बातों के आदि हो गए, मैंने खुद देखा है। क्योंकि निराशा, मैं आज जस्ट इस निराशा के इन बातों का फाउंडेशन डाल रहा हूं। आपको इन परिस्थितियों में खुदा से मांगना है, प्रभु हालात कुछ भी हो, मेरा बिजनेस चले या ना चले, मेरी नौकरी मिले या ना मिले, मुझे खाने को मिले या ना मिले, लेकिन मैं फ्रस्ट्रेशन में नहीं जाऊंगा। जब फ्रस्ट्रेशन आता है, जब निराशा आती है ना, आशा टूट जाती है, और जब आशा टूट जाती है उस व्यक्ति के अंदर से, वो आशा जब चली जाती है, तब फिर वो धनवान हो या ना हो, फिर वो फेमस हो या ना हो, वो अपना जीवन खत्म करता है। हम जिस खुदा पर विश्वास करते हैं, उस पर विश्वास करने के द्वारा पवित्र आत्मा की अगुवाई में रोमियो 15:13 कहता है कि हमारे अंदर आशा बढ़ती है। शायद आपको लग रहा है कि मैं बहुत ट्राई कर रहा हूं लेकिन स्टिल आई एम फेल्यूलर। ये बातें अगर आपके अंदर घर बना रही है ना, तो आज उस घर को तोड़ दो और कहो, भले ही आज मुझे सक्सेस नहीं मिला है, लेकिन कल मेरा खुदावन मुझे सक्सेस देगा। मुझे आपको बताना है, खुदावन ने आपको सक्सेसफुल होने के लिए नहीं बुलाया है, यीशु ने आपको सक्सेसफुल होने के लिए नहीं बुलाया है, यीशु ने आपको फेथफुल होने के लिए बुलाया है। आवर कॉलिंग इज फेथफुलनेस। सक्सेसफुल दुनिया भाग रहे सक्सेस के पीछे, जिनको सक्सेसफुल कहा जाता था ना, उन लोगों ने अपने सर में गोली मारकर सुसाइड किया है। जिनको दुनिया सक्सेसफुल कहती है ना, पिछले साल जब ये कोविड का माहौल था, इटली के अंदर जो इतने बड़े पैमाने में ये प्रभाव पड़ा, इटली के अंदर एक 7-स्टार होटल का मालिक अपनी 25 माले की होटल की टेरेस पे से कूद कर मर गया। उसका सारा परिवार इस बीमारी में तहस महस हो गया। इतना बड़ा मिलीनियर, उसका दुनिया में कुछ 12वां नंबर लगता था, ऐसा व्यक्ति जिसके पास धन दौलत सब था, लेकिन परिवार चला गया सब कुछ ऐसा होने के बाद, वो व्यक्ति उसी होटल के 7-स्टार होटल की उस टेरेस के ऊपर से कूद कर खुदकुशी करके अपना जीवन खत्म करता है। क्यों खत्म किया? क्योंकि उसके अंदर आशा नहीं थी। आपके और मेरे पास वो जीवित आशा है, जो जिंदगी के साथ हमारे परमेश्वर है, वही परमेश्वर जिंदगी के बाद भी है। आज मुझे आपको बताना, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है अजीजों। मैं आज कोई कैरेक्टर नहीं बताऊंगा निराशा के ऊपर, मैं आज केवल आपको ये विषय समझाऊंगा। एक प्रचारक ने बहुत अच्छा निराशा के ऊपर एग्जाम्पल दिया। वो एग्जाम्पल ये है कि शैतान ने क्या किया पता है?
विश्वासियों के शहर में अपना एग्जीबिशन लगाया अपने हथियारों का। शैतान ने विश्वासियों के शहर में अपने हथियारों का प्रदर्शन लगाया, एग्जीबिशन। आपको पता है एग्जीबिशन, हथियारों का एग्जीबिशन। आओ विश्वासियों को बुलाया वहां पे, आओ ये सब देखने के लिए। तब कुछ विश्वासी उस एग्जीबिशन में गए, एकदम चमकीला वो पूरा माहौल था, बड़ा हॉल था और सभी टेबल चकाचक और सारे वहां पे उसके जो लोग उस हथियार को बेचने के लिए सेल्समैन। जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, एक सेवक ने एक बात लिखी है। अब वहां पे सारे हथियार थे, पहला हथियार वहां पे था वासना, लस्ट। विश्वासियों ने कहा हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, वासना पर हम जयवंत हो चुके, क्योंकि हम शरीर के नहीं नहीं जीते, तो हम आत्मा के नहीं जीते। क्योंकि हमें प्रभु का वचन पता है कि जो शरीर के अनुसार जीता है वो नाश पाएगा, लेकिन जो आत्मा के अनुसार जीता है वो अनंत जीवन पाएगा। शैतान को नहीं है, ये वासना हम पर काम नहीं करेगी। यूसुफ के जैसे हम भाग जाएंगे वहां से। उस हथियार की कीमत थी 10 लाख। वहां से आगे गए, वहां पे एक हथियार था नशीली आदत, उस हथियार की कीमत थी 1 करोड़। विश्वासियों ने कहा हमारा उद्धार हुआ, पवित्र आत्मा की नशा हमें लग गई है, उस नशा में ये नशा की अभी जरूरत नहीं है, ये कुछ काम नहीं करेगा हमारे ऊपर। ऐसे बहुत सारे हथियार थे वहां पे, मैं अभी शॉर्ट में बता रहा हूं आपको। अब एक कोने में पूरा धूल मिट्टी से भरा हुआ एक काउंटर था, अब उसके अंदर जो हथियार था वो पूरा जंग खाया हुआ था। बाकी ये जो हथियार थे ना, इसको मस्त पॉलिश किया हुआ था, काउंटर भी अच्छे चमकीले थे, लेकिन एक कोने में धूल मिट्टी में एक हथियार था। अब उस हथियार को उस काउंटर पे लिखा हुआ था फ्रस्ट्रेशन, डिसअपॉइंटमेंट, निराशा। विश्वासियों ने कहा अरे ये काउंटर, अब उस हथियार की कीमत थी 10 करोड़। विश्वासियों ने कहा अरे शैतान, ये सारे हथियार 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 5 करोड़ के हथियार, लेकिन सबसे कीमती हथियार जो कोने में पड़ा हुआ है, जो धूल मिट्टी में पड़ा हुआ है, और उसकी कीमत इतनी, उसको तूने चमकाया क्यों नहीं, उसको पॉलिश किया क्यों नहीं? तो शैतान हंस पड़ा और कहता है मुझे इस काउंटर का एडवर्टाइज करने की जरूरत नहीं है, मुझे इस हथियार को चमकाने की भी जरूरत नहीं है। जब विश्वासी के अंदर निराशा आती है ना, तो खुद ब खुद वो हथियार ले लेता है, और जो खुदा की बड़ी बड़ी बातें करने वाला है ना, वो खुदा को दोष लगाता है। अब मैं यही चाहता हूँ कि वो खुदा को दोष लगाए, ताकि प्रकाशित वाक्य 12:10 में कहा है कि ये शैतान आकर परमेश्वर के लोगों के बारे में दोष लगाता है, ताकि मैं भी आकर खुदा को देख तू बहुत बड़ी बात करता था ना इसके बारे में, वो तुझे दोष लगा रहा है। इसलिए शैतान उस हथियार को ज्यादा चमकाता नहीं। जब निराशा आती है ना, तो शैतान कहता है बस अभी मेरा काम हो गया, अभी ये खुद ब खुद अपने आप अभिषेक को थूक देगा, अपने आप मिनिस्ट्री को लात मारेगा, अपने आप परिवार के खिलाफ हो जाएगा, और समय आएगा उसके स्वर, उसके नरक दूत उसके अंदर घुसकर खुदकुशी करने के लिए उसको मजबूर कर देंगे। खुदकुशी कब करता है इंसान, ऐसे नहीं होता है। आपको पता है गरासियों के देश में 2000 दुष्ट आत्माएं एक व्यक्ति को मारने के लिए उसको कब्र में लेके जाते थे, पत्थर से उसको छलनी करते थे, पहाड़ों में उसको चिल्लाते थे, उसको तैयार करते थे और उसको नंगा भगाते थे। वो दुष्ट आत्माएं थी जो उसको खत्म, लेकिन यीशु वहां आया और उस दुष्ट आत्मा ग्रस्त व्यक्ति को छुटकारा दिया और उस व्यक्ति को खड़ा किया और उस व्यक्ति को मिशनरी बोलकर अपने गांव में भेज दिया गया। दकापुलिस नाम का गांव का व्यक्ति था। यीशु मसीह ने मरकुस 5 अध्याय में उस व्यक्ति का जीवन बदला। वो व्यक्ति उस हालात में क्यों पहुंचा पता है? निराशा। निराशा जब आती है ना, तब नाश करने वाली दुष्ट आत्माओं को हम प्रवेश देते हैं। फिर वो दुष्ट आत्माएं पहले नशीली आदत के अधीन हमें करते हैं, वासना के अधीन हमें करते हैं, अपने आप को कहीं ना कहीं दोषी बनाने वाले उस आत्माओं में भरते हैं। इसलिए आज ही जो मैं आज आपको केवल इस निराशा की जो बातें ये मैं बता रहा हूं आपको, आपको इन निराशाओं से बाहर आना है। क्यों आना है, कैसे आना है, क्यों इसलिए आना है कि हमारा परमेश्वर आशा का है। कैसे आना है? नीति वचन 3
पांच छह के अनुसार तू अपनी समझ का सहारा मत ले, तो अपने सारे मार्गों में यहोवा पे भरोसा कर। मराठी में दिया है अपने सर्व मार्ग त्याचा आदर कर। हिंदी में दिया अपने सारे मार्गों में, अगर शायद आपका बिजनेस फेल हुआ है तो भी कहो मैं अभी भी परमेश्वर पर अपना ईमान रखूंगा, जो मेरा बिजनेस सेट करेगा, जो मुझे नौकरी देगा, जो मेरे परिवार को सुधारेगा, जो मुझे चंगाई देगा, जो मेरी परिस्थिति जो बिगड़ी हुई है वो परिस्थिति को बदलेगा। अगर आप इस तरीके से नीति वचन 3:5-6 के अनुसार अपनी बुद्धि का समझ का सहारा ना लेकर खुदावर पर अगर आप निर्भर होंगे तो निश्चय आप निराशाओं से उठोगे। नहीं तो मुझे आपको बताना है कि निराशा में आप पूरे धसते जाओगे। और समय आएगा, मैं आपको और एक बात बताना चाहता हूँ। हमारे महाराष्ट्र में एक बहुत प्रख्यात व्यक्ति था जिसका नाम भय्यू महाराज। आपको बताना चाहता हूँ मैं, उस व्यक्ति के पास महाराष्ट्र के सारे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस जाकर उसके पैर छूकर उस महाराज की आशीष लेते थे, और इलेक्शन के दरमियान या कुछ प्लान करना है तो भय्यू महाराज की राय ही ये जाती थी। भय्यू महाराज उन्हें सजेशन देता था, एडवाइस करता था। लेकिन पिछले 2 साल पहले की बात है, सारे महाराष्ट्र के बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, मंत्री संतरी बड़े बड़े लोग जाते थे, ये भय्यू महाराज ने अपने आप को गोली मार के खत्म कर दिया। दो घटनाएं 2 साल पहले मैंने अनुभव की। भय्यू महाराज जो लोगों को अगुवाई करता था, वो व्यक्ति ने खुद को गोली मार दी। जो लोगों का फ्रस्ट्रेशन दूर करता था, जो लोगों को गाइड करता था, उसको गाइड करने वाला कोई नहीं था, उसने अपने आप को गोली मार के अपना जीवन खत्म किया। उसी महीने में दूसरी घटना घटी हमारे मेरे घर के पास। एक कार्डियोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट मतलब बाईपास सर्जरी का ऑपरेशन करने वाला, एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी करने वाला, लोगों की धड़कने जो धीमी है उसको बढ़ाने वाला कार्डियोलॉजिस्ट को जीवनदाता कहा जाता है। कार्डियोलॉजिस्ट जिसने हजारों ऑपरेशन किए, हजारों लोगों की जान बचाई, लेकिन यही कार्डियोलॉजिस्ट अपने घर में गले में फांसी का फंदा लगाकर खुदकुशी करके लटक कर मर गया। क्यों? निराशा। बहुत सारे लोग निराशाओं में अपने प्रॉपर मार्ग से भटक जाते हैं। आप न्यूज में देखते हैं, परिवार में प्रॉब्लम होने की वजह से पति ने बच्चों को मार दिया, पत्नी को मार दिया, फिर अपने आप को मार दिया। कारण निराशा। ये निराशा का शस्त्र शैतान केवल मसीहों के अंदर नहीं तो गैर मसीहों के अंदर भी इस्तेमाल कर रहा है। और बड़ी तादाद में हम देखते हैं कि हफ्ते में 2 तो भी न्यूज हम देखते हैं कि मां ने बच्चों के साथ कुएं में छलांग मारकर आत्महत्या कर ली। ये क्यों? निराशा। इन दिनों में मैं आपको बताना चाहता हूं अजीजों, शायद आपकी धन संपत्ति खत्म हो गई रहेगी, शायद अब तक आप फेल्योर हुए होंगे, शायद आपको अपयश मिला होगा, आपको सक्सेस नहीं मिली होगी, शायद आपको सालों से बच्चे भी नहीं हो रहे, शायद आपने बहुत लोगों को पैसे दिए लेकिन वो वापस नहीं लौटा रहे, शायद आपके अपने आपके खिलाफ हो गए हैं, शायद जो आपको सक्सेस चाहिए वो प्राप्त नहीं कर पा रहे हो, सालों से हालात वही है। आपको इन परिस्थितियों में नीति वचन 3:5-6 के अनुसार आपको वचन के नहीं वचन के मार्ग पे आना होगा। छोड़ दो, अभी तक सक्सेस नहीं मिला, छोड़ दो आपको अभी तक प्रमोशन नहीं मिला, बिजनेस खड़ा नहीं हुआ, परिवार सीधा नहीं चल रहा है, उन बातों में कुड़कुड़ाने से अच्छा, मर्मरिंग करने से अच्छा आपको थोड़ा सा इन बातों से हटके आपको खुदा के पास आज भी कहना होगा, खुदावन मैं तुझ पर ईमान रखता हूं, मुझे विश्वास है तू आशा का परमेश्वर। और बाइबल कहती है रोमियो 5:5 में, परमेश्वर की आशा हमें लज्जित नहीं करती है, वरन पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर के प्रेम को हमारे हृदय को हृदय में उस बरसात के जैसे प्रकट करता है। आजीजो इन दिनों में एक
पियक्कड़ व्यक्ति को हम काउंसलिंग कर सकते हैं, वो समझकर कुछ दिन के बाद दारू छोड़ सकता है, एक व्यभिचारी को छोड़ सकता है, व्यभिचार छोड़ सकता है, लेकिन जो निराशा में जाता है ना तो उसके हालात बहुत गंभीर है, क्योंकि वो व्यक्ति इंसानों से मिलता नहीं है, वो अकेला अकेला रहना शुरू कर देता है और एक समय आता है दुष्टात्मा उसको कहते हैं खत्म कर दे अपना जीवन, तब जाके ये लोग सुसाइड करते हैं। सुसाइड ऐसा नहीं होता है, खुदकुशी ऐसी नहीं होती है, जब वो पूरी तरह से आशाहीन हो जाता है, निराश हो जाता है, वो कहता है जीकर क्या करूं। लेकिन खुदा का कलाम जब आता है ना तो जो आशाहीन व्यक्ति है वो आशावान बनता है, क्योंकि हमारे विश्वास में आशा है। हम विश्वास की परिभाषा इब्रानी 11 में यही बात बताती है, विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का प्रमाण है। आज आपको आशा मेरे भाइयों, आंसुओं को बहाया होगा, बहनों आंसुओं को बहाया होगा, अभी तक जैसा चाहिए आपने वैसा पाया नहीं होगा, नो प्रॉब्लम। मैं फिर से बताना चाहता हूँ, शायद लेट मिलेगा लेकिन बेस्ट मिलेगा, लेट मिलेगा लेकिन जरूर बेस्ट मिलेगा, जो परमेश्वर की बाढ़ जोता है। अगर आप भजन संहिता अध्याय 40 और वचन 1 को आप पढ़ेंगे ना, वहां पे दाऊद कहता है कि मैंने यहोवा की धीरज रख के बाढ़ जोई, यहोवा मेरी ओर मुड़कर, यहोवा मेरी ओर मुड़कर मुझे उस दलदल की कीच से बाहर निकालना है। आज किसी दलदल में हो आप, इन दिनों में भी आपको परमेश्वर की बात जोनी हो। परमेश्वर पे आशा रखना मतलब क्या? उसके वचन पर विश्वास करना है। उसने कहा है मैंने तुझे पूछ नहीं तो सिर बनाया है, नीचे नहीं तो ऊपर बिठाया है। अभी तक जो सक्सेस आपको 10 सालों में नहीं मिला ना, यीशु के नाम में मैं घोषित करता हूँ, अगर आज से उस पर आप आशा रखोगे, क्यों पता है? क्योंकि ये छठा महीना है, ये मध्य है, खुदावन का काम कर इंसान के लिए काम करने का महीना है। निश्चय जो 10 साल में नहीं हुआ ना, यीशु के नाम में मैं बताना चाहता हूँ, वो 10 दिन में होगा, वो 10 घंटे में भी होगा और वो 10 मिनट में भी होगा। शायद ये मैसेज खत्म होने के बाद आपके लिए वो गुड न्यूज मिलेगी। आमीन। अपनों से, अपनों के द्वारा जख्मी हुए लोगों, उन अपनों को भुला दो, आपका मिसयूज जिसने किया उनको भी भुला दो, जो है, जो था, जो आने वाला, जो कभी साथ ना छोड़ने वाला, उसकी ओर देखो, वो कभी ना छोड़ेगा, वो कभी ना त्यागेगा, वो ऐसा परमेश्वर। इसलिए निराशाओं से उठो। मैं 2 कैरेक्टर बताने वाला हूं आने वाले दिनों में, कल परसों में, वो लोग निराशा में बड़े परमेश्वर के सुगमा थे, जिन्हें पावर मिनिस्टर कहा जाता था, वे लोग खुदा के खिलाफ बात कर रहे थे, लेकिन खुदावन ने फिर भी उनको खड़ा किया और अपनी ओर देखने के लिए मजबूर किया। हम हालात को देखेंगे, परिस्थितियों को देखेंगे, हम निराशा में बह जाएंगे, लेकिन हालात को छोड़कर हम आशा के दाता यीशु मसीह को देखेंगे, हमारी निराशा आशा में बदल जाएगी और उसकी आशा हमें लज्जित नहीं करेगी। आमीन। हालेलुया। अजीजो, इस निराशाओं में हमें उठना होगा। कोई भी आपका साथ छोड़ देंगे, लेकिन यीशु आपका साथ, वो आपके साथ हमेशा। बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से, यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा। बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से, यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा। मेरा दिया जलता रहेगा, मेरा दिया जलता रहेगा, चाहे दुनिया छोड़ दे, अपना मुंह भी मोड़ दे, यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा।
चाहे दुनिया छोड़ ले, अपना मुंह भी मोड़ ले, यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। याव बांधो, खड़े हो जाओ, एक नए अनुग्रह से खड़े हो जाओ। झटक दो वो निराशा का बिस्तर, झटक दो सारे डिप्रेशन की बातें, फ्रस्ट्रेशन की बातें, डिसअपॉइंटमेंट की बातें, सारी निराशा मायूसी को निकाल दो और कहो आशा का परमेश्वर मेरे साथ, जो मुझे कभी ना छोड़ेगा, वो कभी ना मुझे त्यागेगा, वो कभी ना छोड़ेगा, वो कभी ना टुकराएगा, वो कभी ना छोड़ेगा, वो कभी ना टुकराएगा, वो मेरा है, वो मेरा है, वो मेरा है, वो मेरा है, अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकोब का प्रभु, वो मेरा है, वो मेरा है, वो मेरा है, वो मेरा है, जिसके हाथ में मेरा कल, जिसके हाथ में मेरा आज, जिसके हाथ में आने वाला कल, वो मेरा है, यीशु मेरा है, जिसके हाथ में मेरा कल, जिसके हाथ में मेरा आज, जिसके हाथ में आने वाला कल, वो मेरा है, वो मेरा है, अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकोब का प्रभु, वो मेरा है, वो मेरा है, अब्राहम का, इसहाक का, याकोब का प्रभु, जो मायूस व्यक्ति को उत्साह देकर, मोटिवेशन देकर, उत्साहित करके, उत्तेजित करके उसको खड़ा करता है। कुछ समय के लिए खुदावन के बड़े बड़े दास मायूस हो गए थे, लेकिन खुदावन ने उसको खड़ा किया। आज मुझे आपको बताना है, हम इंसान हैं, बड़े बड़े विश्वास की बातें करते हैं, लेकिन जब अपनी परिस्थिति आती है तब कभी कभी हम मायूसी में, निराशा में खुदा को सवाल करते हैं, मायूसी में, निराशा में खुदा को कहते हैं, ऐसा क्यों? मैं वही वचन लेकर आया हूं, नीति वचन 3:5-6, अपने सब मार्गों में यहोवा का आदर कर। अपनी समझ का सहारा मत ले, तेरी समझ, तेरा एक्सपीरियंस, तेरे कॉन्टेक्ट, तेरी पहचान, जीरो, सब छोड़कर उसके पास आ, वो तुझे अनुग्रह देगा, वो तेरे लिए मार्ग बनाएगा। आमीन। हालेलुया। बिजनेस का मार्ग बनाएगा, नौकरी का मार्ग बनाएगा, परिवार का मार्ग बनाएगा, मिनिस्ट्री का मार्ग बनाएगा, करियर का मार्ग बनाएगा, एजुकेशन का मार्ग बनाएगा। कब? जब तू अपने बुद्धि का सहारा नहीं लेगा, तू उस पर निर्भर रहेगा, अपने मार्गों में उसका आदर करेगा, वो तेरे लिए एक नया मार्ग बनेगा। आमीन। छोड़ दो, जो कुछ आप नहीं हासिल कर सके, कह दो प्रभु वो मेरा नहीं था। मुझे आपको एक बात और आपको प्रोत्साहित करनी, देखो पतरस के जमाने में पतरस को कुछ लोग है ना उसका मजाक उड़ाते थे, क्या रे यीशु आने वाला, अभी तक कहा है यीशु आया, तो पतरस क्या कहता है बताए, यीशु मसीह को जाकर कितने दिन हुए, उसका एक गणितीय प्रमाण, एक अनपढ़ आदमी बता रहा है, पतरस अनपढ़ आदमी है, क्या कहता है, प्रभु को
एक दिन हजार साल के समान है और हजार साल एक दिन के समान है, राइट? दोनों का कैलकुलेशन एक ही हो गया। हजार साल प्रभु के दृष्टिकोण में एक दिन के ऐसा है और एक दिन हजार साल के समान, दोनों कैलकुलेशन एक ही है। मतलब अगर हम कैलकुलेट करेंगे यशस्वी को जाकर 2000 साल हुए, मतलब प्रभु के दृष्टिकोण में कितने दिन हो गए? दो दिन, राइट? हजार साल दो दिन के समान हो गए। तो मुझे आपको बताने, आपको प्रोत्साहित करने के लिए, शायद पिछले 10 साल से आप फेल्यूलर हो, शायद पिछले 20 साल से आप फेल्यूलर हो, शायद पिछले 30 साल से आप फेल्यूलर हो, या शायद पिछले 1 साल से आप स्ट्रगल कर रहे हो, आप फेल्यूलर हो। चंगाई के लिए, बरकत के लिए, नौकरी के लिए, बिजनेस के लिए, वैवाहिक जीवन के लिए, पारिवारिक, आप स्ट्रगल कर रहे हो 10 साल, 20 साल, 1 साल, 5 साल, 3 साल। अगर प्रभु को हजार साल एक दिन के समान है, तो ये जो 10 साल, 20 साल, 50 साल, 30 साल, 1 साल, ये कैसे हो गया पता है? अगर 50 साल है तो एक घंटे के जैसा हो गया। प्रभु का कैलकुलेशन बता रहा हूं, अगर 1 साल है ना तो 10 मिनट के जैसे हो गए। जो 1 साल में नहीं हुआ ना आपके लिए, वो 10 मिनट में होगा। जो 10 साल में नहीं ना हो आपके लिए, वो 10 दिन में होगा। विश्वास करो, आंखों ने नहीं देखा, कानों ने नहीं सुना, मनुष्य के चित्त में नहीं आया, ऐसी अद्भुत बातें खुदा आपके लिए करेगा। कब? जब आप निराशाओं से उठोगे और कहोगे, मैं यहोवा पे ईमान रखता हूँ, मैं यीशु पे ईमान रखता हूँ, अब तक जो मैंने हासिल नहीं किया, आने वाले दिनों में भले लेट मिलेगा लेकिन बेस्ट मिलेगा, भले प्रमोशन लेट मिल रहा है लेकिन बेस्ट प्रमोशन मिलेगा, आमीन, भले बिजनेस लेट मिला है लेकिन बेस्ट बिजनेस मिलेगा, भले नौकरी लेट मिलेगी लेकिन बेस्ट नौकरी मिलेगी, आमीन, भले बच्चे लेट हो गए लेकिन बेस्ट बच्चे पैदा होंगे, आमीन, हालेलुया। जितना लेट आएगा ना उतना लेटेस्ट आएगा, आमीन, हालेलुया। अपडेट करके मिलेगा, पुराना नहीं मिलेगा, लेटेस्ट मिलेगा आपको, लेट मिलेगा, लेटेस्ट मिलेगा, बेस्ट मिलेगा। निराशा से उठो, मैं आपको आनंदित करना चाहता हूँ, आपके टूटे पीसे मन को खुदावन सुधारना चाहता है, आपके मन के बाड़े को सुधारना चाहता है। आओ इस बाड़े को सुधार कर, इस बाड़े की मरम्मत करते हुए खड़े हो जाओ। नो प्रॉब्लम, अब तक मैंने कुछ नहीं पाया, लेकिन आने वाले दिनों में जो पाया नहीं उससे सौ गुना पाऊंगा। अपने आप को मोटिवेट करो, अपने आप को रिवाइव करो, अपने आप को संजीवित करो, कहो उन पुरानी बातों के, अतीत के बातों की रिपेयरिंग करना छोड़ दो, जो बीत गया वो बीत गया। पौलुस के नहीं, मैं पिछली बातों की ओर भुलाकर आगे की बातों की ओर देखकर उस इनाम को प्राप्त करने के लिए दौड़ता हूँ। नो प्रॉब्लम, हम जो लाइट देख रहे, जो लाइट हमें मिली है, वो लाइट बनाने वाला एडिसन, उसने कितने साल परिश्रम किया, कितने बार वो फेल हुआ, लेकिन एक समय आया, उस समय पर वो लाइट बनी और आज हम उस लाइट का आनंद ले रहे हैं। अगर वो दो चार ट्राई करके छोड़ता था, नहीं हो रहा है, तो आज भी हम सबको है ना घासलेट की वो बत्ती लगानी पड़ती थी, मोमबत्ती लगानी पड़ती थी, या जो भी हम लोग जैसे निसर्ग स्वरूप में आग जलाते थे, मशाल जलानी पड़ती थी, आज हमारे लिए सब कुछ क्यों पता है? किसी ने तो भी निराशा को छोड़कर हर दिन प्रयत्न करता था, आज नहीं सक्सेस, कल सक्सेस होगा, परसों नहीं सक्सेस, तरसों सक्सेस होगा, इस महीने में नहीं, अगले महीने में सक्सेस होगा। ऐसे करते करते थॉमस एडिसन ने बिजली का निर्माण किया, आमीन। लेकिन कितने बार है ना, इंग्लिश में कहावत है, ट्राई ट्राई बट डोंट क्राई, रोना नहीं, पीछे हटना नहीं, मायूस होना नहीं, नो प्रॉब्लम, सक्सेस मिला नहीं छोड़ दो, भुला दो, एक नया सक्सेस आपका इंतजार कर रहा है, एक नई नौकरी आपका इंतजार कर रहा है, एक नया बिजनेस आपका इंतजार कर रहा है, एक नई आशीष आपका इंतजार कर रहा है, एक नई कृपा आपका इंतजार कर रहा है, इसलिए छोड़ दो इन बातों को, आप कभी नई शुरुआत, आमीन, हालेलुया। आइए, समय है, मैं आज बहुत ज्यादा समय लिया हूँ प्रचार में, क्यों लिया हूँ पता है? मुझे अंदर से पवित्र आत्मा अलाउ नहीं कर रहा है कि रुक बनकर, क्योंकि आप में से बहुत ऐसे लोग हैं, 90% लोग हैं जो निराश है। शायद आपने डर पे जीत पाई होगी जो संदेश आपने सुना,
शायद आपने दुखों पर जय पाई होगी जो आपने इतने दिनों तक हमने कल तक सुना, लेकिन आज आपकी दुखती नस पे खुदा ने उंगली रखी है। जहाँ पे आप चोटी लेना वहाँ खुदा ने उंगली रखी है और आपके सवालों का जवाब आज मिला है। और कल परसों हम उन कैरेक्टर को देखेंगे जो बड़े विश्वास भी थे लेकिन वो भी निराश हुए, लेकिन खुदावर ने उनको खड़ा किया। उठो निराशा की भूमि से उठो। वो सूखे हाथ का व्यक्ति वो भी निराशा की भूमि में सबसे लास्ट बेंच पे बैठा था, जब यीशु ने कहा उठ तब वो उठकर बीच में खड़ा हो गया। मध्य में आ, ये मध्य है, इस साल का मध्य है, इस साल के मध्य में यीशु तुम्हारे मध्य में आया है जो आपकी निराशाओं को निकालकर आपको आनंद और खुशी से भरना चाहता है। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए समय